की टीवी में मुजाहिद बलवी आपको खुश आमदेद कहता है और लगता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का तबले जंग जोरों से बजा है कि अब सियासी मुखालफतें दुश्मनियों पर बरारास हमलों पर आ गई हैं। बिलावल साहब की आज बड़ी जाहो जलाल से भरपूर तकरीर थी, इससे पहले वो कह चुके थे कि वह लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, जवाब में आया कि जी लड़काना का नहीं बनने देंगे। आज भी मैं देख रहा था कि मौलाना फजल रहमान की ज़बान भी बदली हुई है, शहबाज शरीफ भी आ गए, इंतकामी मुहिम का आगाज़ हो गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल का जो अफसोसनाक पहलू एक और है जो मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूँ कि अगर ये जारी रहा तो शायद फिर कोई भी सियासी घराना इससे महफूज नहीं रहेगा कि मीडिया इतना बड़ा हो गया है। और हमें इल्म है कि मीडिया हाउसेज जो हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, किन 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 से करते हैं, और वो उसका इशारा कर रहा हूँ। इमरान खान ने जो कुछ 9 मई को किया, इमरान खान की सियासत के सबब इस मुल्क को जो मईशत को नुकसान पहुँचा, इमरान खान ने जो ज़बान इस्तेमाल करी कभी उसको जो सेन एलिमेंट था उसने अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन एक बड़े चैनल ने जो कल एक इंटरव्यू दिखाया और जिसमें इमरान पीटीआई के कायद को उनकी जो फैमिली के जो कोई स्कैंडल को दिखाया गया, फिर उनके जो इंटरव्यू से भोचाल आया और उस पर जो प्रोग्राम हो रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं समझते कि ये जो फिर किसी एक सियासी ख़ानदान से एक सियासी कायद तक नहीं रुकेगा बल्कि हर सियासी घराने की कहानी स्क्रीन पर बनेगी। और सियासी घराना क्यों कहूँ, क्या हम मीडिया लोग बिल्कुल पवित्र हैं, फरिश्ते हैं, क्या बिजनेस कम्युनिटी, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी हर शोबे में इंसान खामियों का कमज़ोरियों का पुतला है, हर शख्स में है। हमारे घरों में हमारे जानने पहचानने वालों में जो कुछ होता है क्या हम उसको स्क्रीन की जीनर बनते हैं, ये तो नहीं। यानी कोई सियासतदान यकीनन पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उनकी मुखालफत भी होनी चाहिए, उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह इसकी तशहीर की गई उस पर मैं मुस्तफ़ा दैदी का बड़ा मशहूर शेर है कि हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हों, गुनाहगार पे पत्थर संभालने वाले और अपनी आँख के शहतीर पर नज़र रखें हमारी आँख से कांटे निकालने वाले। मेरे साथ हैं शर्मिला रफाकुई, अब तो मैं कह सकता हूँ कि बड़े सीनियर सीजेंट खातून हैं, इलेक्टेड MPA हैं और इन्होंने भी सियासत में बड़ा कड़ा वक्त देखा है। मैंने देखा है कि इनकी फैमिली को किस तरह तंग किया गया, ज़िया दौर में इन्हें खुद बड़ी मशहूर हुई थी तस्वीर जिस तरह थाने कचहरी में रखा गया, फिर बाद में मैं एक बड़ी सीनियर सीजन रहनुमा को भी लूँगा। जी शर्मिला बीबी, आप इसको क्या कहेंगी कि मैंने कहा ना कि अगर हम सियासत को सियासत तक रखें, कैमरों को घरों के अंदर नहीं आना चाहिए, स्क्रीनों की जीनत बनना नहीं चाहिए हमारे जाती उसके, आप इसको किस तरह देखा आपने शर्मिला फारूकी साहिबा? बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने। मैंने भी ये वक्त कड़ा वक्त देखा है और जिस तरीके से घर की ख़वातीन को पब्लिक में ला के उनकी तजलील की गई। देखिए कल जब ये टेलीकास्ट हो रहा था प्रोग्राम पूरा, तो मैं एक और टीवी शो कर रही थी, लेकिन जब ये रिपीट हुआ तो मैंने इसे देखा, मुझे दुख हुआ, वाकईतन दुख हुआ। और दुख इसलिए हुआ कि देखिए सियासत में हमें एक दूसरे से 100 अख्तलाफात हो सकते हैं, हमें उनकी पॉलिसी से अख्तलाफ हो सकता है, हमें उनकी सियासत से अख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो घरेलू निजी मामलात हैं वो घर के अंदर रहने चाहिए। सियासत को इस नहज पे ना ले जाएं कि जहाँ पर जिसे कहते हैं ना डर्टी पॉलिटिक्स, दिस इज़ व्हाट इज़ डर्टी पॉलिटिक्स। घर की ख़वातीन, किसी की घरेलू ज़िंदगी, उस बिलखसूस उसकी अजदवाजी ज़िंदगी, उसको पब्लिक में लाके और इस तरीके से उसको इस्तेमाल करना मज़ीद कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं समझती हूँ कि पेमरा को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था और पेमरा को ये चीज़ें इसको बंद करना चाहिए था। फिर देखिए सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आई, मुख्तलिफ तबसरे हुए, मुख्तलिफ मीम्स बने इसके ऊपर, बातें हुई, 100 बातें। देखिए शादी करना, शादी ख़त्म होना, दूसरी शादी करना, ये किसी का भी राइट है और ये हमारे मज़हब में भी जायज़ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, किसने नहीं किया, ये हर किसी का एक निजी मामला है, इट्स अ प्राइवेट अफेयर। गो के
जिस शख्सियत की बात हो रही है वो एक सियासतदान है, और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप सियासतदान हैं तो आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपकी जो लाइफ है वो पब्लिक लाइफ है, इट विल बी ओपन फॉर स्क्रूटनी। लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल 100% इस बात पे मैं एम्फसाइज भी करती हूँ हमेशा, और ये कहती हूँ कि देखिए देर इज़ अ वेरी फाइन लाइन, एक बहुत ही बारीक लकीर है कि वे यू क्रॉस द लाइन, कि कहाँ पर आप, कहाँ तक आप बात कर सकते हैं और इसके आगे आपको बात नहीं करना। हम सब हमारे घर में फैमिलीज हैं, मैं भी किसी की बीवी हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। इसी तरीके से जिस शख्सियत की बात हो रही है और जिस खातून की बात हो रही है उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर वाले हैं, और ये जो जिस कल ये देखने के बाद और इतना तबसरा होने के बाद आई एम श्योर उनके बच्चे बड़े ट्रॉमा से गुजरे होंगे और ये ट्रॉमा उनके साथ रहेगा। एक और पहलू भी है शर्मिला फारूकी, हम जैसे मैं और किसी को क्यों कहूँ, हम मीडिया वाले, मैं एंकरों को जानता हूँ, एक एंकर साहब हैं वो एक शादी कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं, तीसरी कर रहे हैं, चौथी कर रहे हैं, एंकरों का भी क्या आता है। हमारे जो मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं मैं बहुत सारों को जानता हूँ, इधर भी छोड़िए बिजनेसमैनों को देखें, क्या हम जनरल याहिया खान के पूरा याहिया खान के ज़माने में तो कौन कौन नहीं था, रोहिदाद खां उनके मुशीर खास थे, ऐसे ऐसे लोग मुशीर खास थे, क्या रोहिदाद खां की उस वक्त की जो यानी खातून का नाम ही जनरल रानी पड़ गया, क्या हम वो तस्वीरें दिखाएं? तो आप बताएं उन क्या कसूर है उनके नवासों का, पोतों का, पोतियों का, यानी याहिया खान के साहबजादे को भी जानता हूँ आका मोहम्मद अली को, उनके फिर फैमिली के, उनकी जो बड़े मशहूर टीवी पे आते हैं मशरूफ, वो उनके चंद नवासे हैं या पोते हैं। मैं ये कह रहा था कि याहिया खान तो पाकिस्तान के हुक्मरानों में एक बदतरीन मिसाल समझे जाते हैं ना, कि सुकूत ढाका हो रहा था और वो क्या कर रहे थे यहाँ के गवर्नर हाउस में। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी भी इस तरह तस्वीर मैंने हालिया बरसों में नहीं देखी। लेकिन इस नेट पर आपने दुरुस्त कहा कि ये जो कहीं लाइन हमें ड्रॉ खेलना पड़ेगी, पैमरा हमें ये तो कह देता है कि आपने फला लाइन क्यों चली गई, मुझे पता है कि बड़े बड़े दोस्त हैं बेग साहब, अब तो फला का नाम भी ना लें, ये भी पैमरा कह देता है कि उसका नाम भी नहीं ले सकते। जब किसी का नाम नहीं लेना होता और जब बैन करना होता तो कहते जी इस शख्स का नाम भी नहीं आप ले सकते। तो जब इस हद तक सेंसरशिप है तो ये इस यहाँ पर तो मैं समझती हूँ, देखिए आज ये इनके साथ हुआ है, कल ये आपके मेरे साथ हो सकता है, किसी की भी प्राइवेट लाइफ को उठा के उछाल के टेलीविजन पे ला के उसके ऊपर पॉलिटिकल माइलेज की जा सकती है, दिस इज अनफॉर्चुनेट। देखिए आई हैव ये भी देख रहा था शर्मिला बीबी के हमारे नून लीग की क्यादत ने उसके बाद बयानबाजी भी शुरू कर दी कि शक को नहीं हो सकता, और सॉरी टू से अगर मैंने कहा ना कि मैं अपने समेत हर आदमी को समझता हूँ कि उसकी खिलाफी और कामी कमजोरियाँ हैं, हम ये देखते हैं कि क्या उसका सियासत में क्या है, क्या उसने सियासत में बेईमानी, भुट्टो साहब के बड़े भुट्टो साहब तो जलसेआम में कहते थे हाँ पीता हूँ लोगों का खून तो नहीं पीता, 50 साल भुट्टो साहब की जाति जिंदगी कलरफुल आदमी थे, मुझे बहुत सारे अब किताबें छप गई हैं उन पर सब चुका आता है, लेकिन उन्होंने कारनामे इतने बड़े थे भुट्टो साहब के कि उसका जिक्र नहीं करता, उसे भी नहीं आता है। मैं देख रहा हूँ कि अब और हिम्मत भी नहीं होती, जरूरत भी नहीं होती किसी को ये कहने की भुट्टो साहब के ख़ानदान या फैमिली के बारे में कि उनकी कुर्बानियाँ इतनी बड़ी हैं, उसके उसके मुकाबले में बहुत सारे बड़े साहिब दस्तार लोग और बड़े अपने को वो दावेदार होते हैं, बात बात पर उनके मुँह से हदीस और कलमा निकलता है, हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे होते हैं। जी बेशक जी, यहाँ पर हर कोई ये दिखाता तो है और बनने की कोशिश भी करता है कि वो बड़ा पक्का मुसलमान है, लेकिन 62-63 पे शायद ही बहुत ही कम लोग उतरते हों, और ये बड़ी दुख की बात है। मुझे बरेलवी साहब दुख एक और बात का भी हुआ, ये तो चलो जिस चैनल ने टेलीकास्ट किया, जिस एंकर ने प्रोग्राम किया ठीक है, लेकिन मुझे दुख जो है वो मानिका साहब के ऊपर भी हुआ। ठीक है उनकी साबका बीवी होंगी, जो भी उन पे गुजरी, जैसे भी हुए आई एम श्योर वो सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, जो भी बात है, लेकिन मानिका साहब के बच्चे उस खातून से हैं और ये तमाम चीज़ें पब्लिकली आके एक पब्लिक टेलीविज़न पे आके एक नेशनल नेटवर्क पे आके बात करना, और माशाल्लाह उनके बच्चों के बच्चे भी हैं,
ये जो तमाम बातें अब आ गई ना एक दफ़ा मीडिया के ऊपर, अब ये वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ तक इसको संभालेंगे? ये तो ता हयात इनका पीछा करेंगी ये बातें, इलेक्शन शुरू हो रहा है और इलेक्शन का यानी तबले जंग बच चुका है, और अब यकीनन इलेक्शन कमीशन को भी इस पर एक कुछ ना कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना, इसलिए कि हमने देखा है कि मैं तो आपको पता है मैं तो एक सहाफ़त का तालिबे इल्म हूँ, मुझे पूरी हिस्ट्री पता है 70 के बाद की सियासतदानों की, उनकी फैमिली इसकी और ज़ातियात की और मीडिया घरानों की और ताजरों की। तो ये तो मैंने कहा ना कि खुद वो लोग जो इसीलिए मैंने ये जो मिसरा पढ़ा और अपनी आँख के शैतीर पर नज़र रखें, ये तो हदीस है कि किसी के आप अगर आप गुनाहगार नहीं है यानी किसी पे पर्दा आप पोशीश करें ना कि आप पे पर्दा कशी करें। आप अगर आप किसी के ऐप पे पर्दा डालेंगे तो अल्लाह ताला आपके ऐबों पे पर्दा डालेगा। भी मैंने बड़ी हमारी अनफॉर्चुनेटली बड़ी सीनियर सीजन पॉलिटिशियंस हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, सैयद आबदा हुसैन साहिबा को रहमत दी है। आबदाबी भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया, अब तो खैर माशाल्लाह बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल लीडर हैं पीपल्स पार्टी की, शर्मिला फारूकी इनकी फैमिली है, उससे इख्तलाफ भी होता था इनके साथ भी, आपको पता है बड़ी ज़्यादती हुई थी। ये जो एक बहुत इसको जो एक चैनल ने ख़ानदान का जिस तरीके से हुआ, मतलब ये कि मैं कह रहा था ना कि हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हो, गुनाहगार पे पत्थर संभालने वाले, तो ये अपने आँखों के शैतीरों पर भी नज़र रखें अगर दूसरे की आँख से कांटे निकाल रहे हैं। ये किस तरफ जा रही है सियासत आबदाबी भी? सियासत इस वक्त जी एक अभाम की कैफियत में है, और मैं समझती हूँ कि जैसे इलेक्शन करीब आया तो फिर वाजिब होगा कि कौन सी जमात क्या मंशूर खड़ी है। मंशूर की तो बाद में आएगी आबदाबी भी, आपने भी बड़े तमाम मियाँ साहब का दौर भी देखा है, उससे पहले आपके वाले तो माशाल्लाह पूरी आपको तो कई जनरेशन की पॉलिटिशियन देखे हैं और आपको बहुत करीब से इनके देखा भी होगा और आज कुछ लोग मौजूद भी हैं, लेकिन हम समझते हैं ना कि ठीक है हम पब्लिक प्रॉपर्टी तो होते हैं लेकिन कहीं लाइन भी तो ड्रॉ करनी पड़ती है कि हमारे बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उनकी शादियाँ हो गए हैं उनके नवासे हैं उनकी फैमिलीज हैं। ये जो ख़ास तौर पर ये जो वाक़या जिसको मैं कह रहा हूँ, इमरान खान में 10 गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, सियासत है, 9 मई है, सब बात मानने तैयार हूँ, लेकिन क्या ये इस तरीके से इसको स्कैंडल बनाना पॉलिटिकल फिर बाकी लोग महफूज रहेंगे? मैं समझती हूँ कि लोग तो मुंतज़िर हैं कि सियासी रहनुमा क्या करते हैं, क्या वादे करते हैं, क्या पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में उनके अजायम क्या हैं, लोग तो इस बात का इंतज़ार करेंगे। नहीं लेकिन अभी जैसे मैं शर्मिला ठीक है पील पार्टी की हैं लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस बात को देखकर अफसोस हुआ है कि सब फैमिली वाले हैं कि उनकी उनसे मुतालिक लोगों पर क्या, मतलब अगर हम याहिया खान की गुफ्तगू करना शुरू कर दें उस दौर की, तो उनके उनके आगा मोहम्मद याहिया या उनके नवासे पोते पोतियों क्या कसूर है कि अगर हम उनकी तशहीर शुरू कर दें? आप हुसैन साहिबा, नहीं उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो उन वाक़यात के बहुत बाद वजूद में आए तो उनका कोई कसूर नहीं बनता। मैंने आपकी किताब भी एक पढ़ी है और उस किताब का अगर मैं नहीं चाह रहा था कि एक बड़े मशहूर सियासतदान के बारे में आपने क्या कहा था, लेकिन मैंने कहा ना कि और बहुत सारी किताबों में आया है कि इसलिए मैं आपको जब मैं बाप से गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे किताब के और उसमें बाद दूसरी किताबें भी मैंने आपकी फॉलो की है कि अगर इस तरह मैंने कहा ना कि हम ठीक है बुक तो ठीक है महफूज होती है सेलेक्टिव होती है, अब इसी को मैं इस वक्त दिखा रहा होता वो उसकी साहब की जिनके बारे में कह रहे थे, अच्छा तो नहीं लगता ना ये बात? जी ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त बात है। मैं यही अब मैंने कहा ना कि सैयद आबदा हुसैन साहब को मैंने इसलिए रहमत दी जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में बड़ी 4 दहाई की सियासत पे हावी रही हैं, हर सियासतदान को बहुत करीब से जानती हैं, इन्होंने जो कुछ लिखा है मुझे एक याद भी आ रहा है कि एक बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर थे किस तरह वो गलमत छोड़िए रहने देते हैं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ये टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदेद कहता है। और जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन का जो तबले जंग बजा है, सियासी मुखालफतें होनी चाहिए, अगर किसी ने सियासी कलाबाजियाँ खाई हैं तो उसका भी जिक्र होना चाहिए, अगर सियासत में उसने धांधली की है, चले अगर कभी डिक्टेटरों का साथ दिया, ये सब सियासी बातें होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से तलाकों की, शादियों की, अलहदियों की इस उसको एक पूरा बनाकर एक पूरा बयानिया तैयार किया जाए, तो मुझे खुशी है कि शर्मिला फारूकी, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और एक बड़ा बैकग्राउंड रखती हैं, बड़ी तफसीर करती हैं, आप दाबी भी तो बड़े काबिल एहतराम हैं, इनका भी बड़ा वो है। और ब्रेक से पहले शर्मिला, मैं जो आपदा बीबी को एक बता रहा था एक किताब का कि एक यानी एक हमारे एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और एक सूबे के गवर्नर ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि दफ्तर में बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं, किसको पता नहीं। नहीं छोड़िए इस बात को। शर्मिला भी अब ये जो क्या जो अब आप नहीं समझती कि आपकी पार्टी और दीगर पार्टियाँ इलेक्शन कमीशन से ये कहें कि आने वाले दिनों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन कहीं ड्रॉ लाइन करें, या आप समझती हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल नहीं है, हमारा सॉरी टू से मीडिया और या मीडिया के जो मीडिया के पीछे लोग हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो जिसको चाहेंगे उसको रगेत देंगे उसको ये तो नहीं। और एक और बात भी है कि हमारे प्रिंट में ये कहा जाता था कि 24 घंटे में तर्दीद होनी चाहिए अगर कोई ख़बर छपे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैसा आ गया है कि इसकी तर्दीद भी नहीं हो सकती, और अगर तर्दीद भी हो तो लोग तर्दीद कम पढ़ते हैं, जो खबर छप जाती है उसको ज़्यादा देखते हैं, क्यों शर्मिला फारूकी? देखिए बरेलवी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा एक कोड ऑफ कंडक्ट तो इलेक्शन की कैंपेन्स के हवाले से करता है इशू, लेकिन उसमें ये इन मामलात को शायद पहले नहीं देखा गया। मैं समझती हूँ वक्त और हालात को देखें, क्योंकि माजी में भी अगर आप देखें तो हर सियासतदान की ऑलमोस्ट कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश की गई, बीबी शहीद की भी कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश की गई, दीगर सियासतदानों की करने की कोशिश की गई, और बिलखसूस ख़वातीन की। पार्लियामान के अंदर भी अगर आप देखें तो सिटिंग मेल पार्लियामेंटेरियंस किस तरीके से फीमेल पार्लियामेंटेरियंस को जिनका ताल्लुक अपोजिशन से होता था उनको किस तरह एड्रेस करते थे। पार्लियामान में बहुत दफ़ा झगड़ा भी हुआ इस बात के ऊपर, किसी को ट्रक ट्रॉली कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। तो ये जो तरीक़ेकार हैं, ये जो एक गलत प्रेसिडेंट कायम होते जा रहे हैं ना कि फॉर पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग आप किसी भी खातून की तजहीक कर सकते हैं, तजलील कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट अवे विद दिस, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। ये बंद होना चाहिए सियासत के अंदर। ठीक है वो उनकी अहलियाँ हैं, जिस तरह भी शादी हुई जो भी है ये इनका ज़ाती मामला है। उनके साबिक खाविंद आए टेलीविज़न के ऊपर, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं। आपने जिक्र किया उनकी ज़ात पे, उनकी जहनियत पे, या उनके जिस माहौल में वो रह रहे हैं वो किस तरीके से एक और बात है आबदा हुसैन साहिबा, कि आपने गौर किया होगा कि अभी तक हम कितनी भी आप खवातीन कहें कि हमने उन्हें नशिस्तें मखसूस दे दिए हैं, वुमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट कमीशन और औरतों की बराबरी, लेकिन सॉरी टू से मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मर्दों के बारे में कितने किस्से, मदद ये कि खर साहब का कुछ नहीं बिगड़ा उस किताब से, मेंढा साई से आपने देखा होगा, उतने ही शान व शौकत से बाद में भी रहे, इलेक्शन भी लड़ते रहे। तो ये जो एक पहलू है कि ख़ास तौर पर ख़वातीन को निशाना भी बनाना आसान होता है, और उनको जो उनकी सबब जो उस सोसाइटी में, या तो आप बराबरी की बुनियाद पर करें, उसी तरह जिक्र मर्दों का भी होना चाहिए। मर्दों का जिक्र उस तरह नहीं होता जिस तरह ख़वातीन को उसमें मुलव्वस करके दिखाया जाता है। आप द बीवी देखिए, ख़वातीन अगर बाएतमाद रहें तो उनके रास्ते में कोई भी रुकावट कामयाब नहीं होती। ये उनके अपने विल की बात है, अगर उनका विल स्ट्रॉन्ग है तो वो यकीनन कामयाबी हासिल कर सकती हैं और मर्दों के शाना बशाना वो सामने आ सकती हैं। लेकिन एक और बात भी है ना कि बदकिस्मती से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने लंदन में जाके इसीलिए केस किए कि वहाँ तो होता, पाकिस्तान में इसका तसव्वुर ही नहीं है
कि आप अदालतों में जाएं, आप इलेक्शन कमीशन यानी किसी भी जगह जाएं, वहाँ इंसाफ नहीं मिलता और सुनवाई नहीं होती। वो मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई किसी खातून को कोई स्कैंडल बनाओ या किसी और को बनाओ और कहीं वह गया हो तो उसे इंसाफ भी मिला हो और हमने देखा हो, ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। क्या कहेंगे शर्मिला बीबी, जो मैंने पढ़ा ना इतनी सीनियर सीजन हैं, सॉरी तो आपने बीबी अब इसको नहीं, जो ठीक है मैंने कहा ना कि किसी शख्सियत के आप भी माशाल्लाह, मैंने मुझे पता है शेरबार मदारी हों, वली खान का घराना हो, पता नहीं किन तमाम जगह आपसे कौन ऐसा नहीं है जिनसे आपकी इधर पीपल्स पार्टी की फैमिली हो, सब जगह आपकी सलाम दुआ हर जगह रही है, पार्टी में शामिल रही हैं, लेकिन ये क्या समझती है कि अभी ज़्यादा कल्चर बढ़ा है हमारे, इसमें एक ज़्यादा किरदार हमारे मीडिया का भी है? जी हाँ, मीडिया का बड़ा अहम किरदार है और मैं समझती हूँ कि मीडिया के वजूद की वजह से सभी लोग मोहताज हो जाते हैं, जो पहले जिस तरह से एक आज़ादी महसूस करते थे वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो लेकिन कुछ लोग ये भी तो कहते हैं ना कि आपको भी इल्म है कि हम लोग मीडिया वाले इतने बहादुर नहीं होते जितने नज़र आते हैं, जो वो हैं असल जो वो जिनके मफादात होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए शायद इसमें इस्तेमाल करते हों या होते हों, ये भी एक है पहलू ना? हाँ ये बात दुरुस्त है। जी शर्मिला, जो मैंने दो तीन सवाल किए अब बगैर उनकी बड़ी नवाजिश मेहरबानी आपदा बीबी, जो मैंने कहा ना कि वो मेरी बात को स्वाद करने अमेरिका में सफ़ीर रहीं, कितनी बार MNA रहीं और बड़े बड़े से सियासत इन्होंने की, बहुत बड़े बड़े लोगों की शिकस्त दी, इस बात से एग्री कर रही थी उसमें। मैं कहा मीडिया के लिए हम लोगों भी ये समझते हैं, हालांकि इतने हम बहादुर नहीं होते जब तक कि कोई हाथ कोई इशारा कोई, मैं तो कहने के लिए तैयार हूँ, ये ना हो क्या ऐसा लगता है आप नहीं समझते? नहीं, मीडिया आज़ाद है, बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े जरूरतमंद लोग हैं ये। शर्मिला बरेली साहब, मैं वाकई नहीं समझती कि मीडिया आज़ाद है। मैं समझती हूँ कि हर मीडिया हाउस का कहीं ना कहीं कोई टिल्ट है। एक वो जो न्यूट्रलिटी की बात होती है ना वो अब शायद नहीं रही है, एंड कमर्शलिज्म हैज टेकन ओवर एवरीथिंग। यहाँ पर जो बिकता है वही चलता है और बिकती वो चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रोवर्शल हैं। कल आई एम श्योर ये ब्रेकिंग न्यूज थी और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, आज भी कर रहा है और कुछ दिनों तक करते रहेंगे, और बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा स्कूप आ गया सामने और बड़ा छक्का मारा है जी इन्होंने, फला टीवी चैनल ने जो ये इंटरव्यू चलाया जिसने। तो हमारे यहाँ जब तक इन चीजों को सराहा जाएगा, दीवारी की परवाह ना करते हुए उनकी उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनकी तस्दीक की जाएगी और पीपल विल एंजॉय इट, और ये बिकेगा जब तक ये चीजें होती रहेंगी, दे हैव टू बी एन एंड टू इट। और ये अकेला कोई शख्स नहीं करेगा, जब तक तमाम मीडिया हाउसेज मिलके एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। अभी देखिए इलेक्शन हो रहे हैं, आपदा साहब ये कह रही है ना कि इलेक्शन हो रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि अब काफी सारी ऐसी चीजें आएंगी सामने, कुछ ऑडियो टेप्स भी आएंगी, कुछ और भी बातें आएंगी, अपने सियासी मुखालफीन को नीचा दिखाने के लिए और उनको टारगेट करने के लिए अब लोग घरों तक पहुंच गए हैं, उनकी फैमिलीज तक पहुंच गए हैं। और पहले एक बात है, इसमें बड़ा ये स्ट्रिक्ट होते थे कि हमारा कैमरा, यानी वो तो खैर वो कहता था कि आपको कैमरा कभी किसी के घर नहीं जा सकता, लॉन में भी नहीं खड़ा हो सकता, बल्कि उस सामने सड़क पर भी नहीं, उसका राइट है कि वो खड़ा हो घर के सामने। अब हम कैमरों को घरों के अंदर लेके चले गए और इसको बड़ा वो फर्ज है। और मैं सॉरी टू से, आप भी मुझे दो दहाई से तो जानती होंगी, टीवी पे आवाज़ लगा रहा हूँ और ये बात इसी जिम्मेदारी से आज कहने की जरूरत कर भी रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भी ये पैगाम दूँ कि चाहे वो मीडिया के बड़े हों या छोटे, कि ये इनफ इज़ इनफ, आप लाइन अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर आपकी तरफ भी चीज़ें आएंगी, फिर ऐसे ही होगा ना आपदा हुसैन बीबी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा।
जी शर्मिला बीबी भी उन्होंने फिर आबदा बीबी ने इंडोर्स किया कि अगर ऐसा होगा तो फिर आप भी महफूज नहीं रहेंगे। देखिए मैं आज जब सोशल मीडिया देख रही थी तो आज जिस एंकर ने इंटरव्यू किया है आज उसकी और उसकी अहलिया की तस्वीर और वो सारी चीजें मीडिया पे आ रही थी कि कल जिसने इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की उनकी और उनकी अहलिया को देखे। अब ये भी गलत है, देखे ना मैं शर्मिला बीबी एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये समझा जाता है मैं सॉरी टू से शायद ओल्ड स्कूल का आदमी हूँ, हम सोशल मीडिया काउंट नहीं करते, हम मेन स्ट्रीम को काउंट करते हैं। जो प्रिंट होता है वो 12 हाथों से निकल के आता है, स्क्रीन पर जो कुछ आता है वो एक सीजन से होते हुए निकल आता है। सोशल मीडिया तो एक मिल गया है कि जो भी शख्स है चाहे उसने ना आपने शक्ल देखी हो ना पढ़ा लिखा हो कुछ हो वो कर देता है। आमतौर पर मैं तो सोशल मीडिया की मिसाल भी नहीं देता, हमें हम मिसाल देंगे कि हाउसेस से निकलने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक यानी स्क्रीन वाले उनकी जिम्मेदारी है ना कि इस चीज़ पर ख्याल रखे। इस पर और भी गुफ्तगू हो सकती थी लेकिन जनरल भी मुझे कहा जा रहा है कैमरे के पीछे थे कि आप इस पर मज़ीद गुफ्तगू ना करें। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक हसास मौजू पर आप दोनों खवातीन जो पाकिस्तानी सियासत में बड़ा अहम मकाम रखती हैं उन्होंने एक ऐसी राय दी, और इसी पर मैं अपना वो गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि और अपने आँख के शतीर पर नज़र रखें जो दूसरों के जो है कांटे निकाल रहे हैं आँखों से। इसी के साथ ही दो शुरू करते हुए मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा, हमारे साथ लिए टीवी में मुजाहिद बल्ली एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। और वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ मगर उसके पीछे ख़ास तौर पर पाकिस्तान की शिकस्त ने जो दाग छोड़े हैं उसने पूरी कौम को बड़ा पशमुर्दा कर दिया है, मायूस कर दिया है। ठीक है इंडिया बहुत सारे मैच जीता, आखिरी फाइनल हार गया, वहाँ भी कोई मामला ठीक नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम का क्या मुस्तकबिल है, मीडिया कोऑर्डिनेटर और ख़ुद बड़ा स्पोर्ट पर गहरी नज़र रखती हैं आलिया रशीद मेरे साथ हैं। आलिया शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आलिया ये तमाम ठीक है, हार जीत तो होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी ये जो क्रिकेट के लोग हैं खिलाड़ी हैं इनको कुछ गालिबन किसी को एक साल किसी को दो साल या दो तीन साल ही हुए होंगे, लेकिन एक हम पावर देख रहे हैं पावर प्ले जिसे कहते हैं वो नज़र आ रही है, अपनी शरायत पर कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, अपनी शरायत पर खेलते हैं। वर्ल्ड कप से पहले मैं खाली इन्होंने कोई लीग नहीं छोड़ी होगी, कोई मुल्क नहीं खोड़ छेड़ रहा होगा पैसों के लिए, चलो एडवर्टाइजमेंट तो ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ मुझे आलिया बीबी। जी देखिए वर्ल्ड कप के हवाले से मेरा ख्याल है ज्यादा ये तजिया कर रहे हैं क्योंकि हमारी शिकस्त हुई उसमें और हमने सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं किया, मगर मुजाहिद साहब ऐसा नहीं है कि पावर प्लेयर की पावर हो और जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी ग्रिप ना हो, ऐसी बात नहीं है। वो आपको पता है सुपरस्टार जब भी जिस दौर में भी पैदा हुए हैं वो नेचुरली उनकी एक अपनी अहमियत होती है और वो अपनी अहमियत मनवाना भी जानते हैं, मगर मैं ऑनेस्टली अगर आपसे बात करूं तो हमारा जो स्किल है उसमें मुझे लगता है कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम ICC के जाते हैं कंपटीशन में तो हालांकि हमने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है लेकिन हम जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ है 2019 उससे भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके थे, तो शिकस्त की वजूहात जो हैं वो ज़्यादा टेक्निकल हैं। हमें ये गौर करना होगा कि 4 ओवर करने वाला बॉलर जो है वो 10 ओवर नहीं करा पा रहा है या 50 ओवर खेलने का टेम्परामेंट खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन आलिया बीबी आप जो अभी लफ्ज इनके लिए समाजत के साथ सुपर स्टार कर रही थी ये तो अभी शायद स्टार के लेवल पे नहीं आए, आज तक लोग फजल महमूद को कारदार को हनीफ बिरादरान को शाहिद आफरीदी को जहीर अब्बास को ये होते हैं 20 साल पहले क्रिकेट छोड़ी याद रख रहे होते हैं, इन्हें तो खेले में भी 3-4 साल हुए हैं, अब मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा नसीम शाह का जो बाहर हो गया खेल से पहले ही, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट जो आपने लंबे चौड़े दिए हैं PCB ने मशरूत करें ना इनकी कारकर्दगी से। जी बिल्कुल, और इसीलिए ऐसा ही होता है एक्चुअली जो ABCD ग्रेड्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो इसी वजह से होते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस जहां पर है उस हिसाब से देखा जाता है, इवेल्यूएट किया जाता है कहां किन कंडीशन में उसने किस तरह परफॉर्म किया है थ्रू आउट, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं, उससे मशरूत हैं डेफिनेटली मशरूत हैं। मगर समटाइम्स ऐसा होता है जैसे आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि देखिए
जकार साहब ने आके तो खवातीन को भी पहली दफा डोमेस्टिक में कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, ये देखिए कितनी जबरदस्त बात है। हम लोग क्रिटिसिज्म तो बहुत करते हैं टीवी पे बैठ के भी, हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि जो अच्छी चीजें हुई हैं उनको अप्रिशिएट करें आप, कि इतना ज्यादा कि 200% आपने प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है, 3% उनको आईसीसी के जो आता है ग्रांट आती है उसमें से भी उनकी परसेंटेज है 3%, जो कि पहली दफा तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट की हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। अभी आप देखें कि शान मसूद को कप्तान बनाया गया टेस्ट टीम का, शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने लाहौर कलंदर को 2 साल से कप्तान के से जितवा रहे हैं, उनको वाइट बॉल का T20 ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन तो, मैच से पहले आप तो बड़ा करीब से देखती हैं, इंजमामुल हक ने जो बड़ा यानी मुझे लगा कि बैड टेस्ट यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मुस्ताफी हो गए, फिर बड़ा स्कैंडल सामने आया कि जनाब इनके पास तो एक कंपनी है, 12 खिलाड़ियों में से 6 इनके नामजद करदा खेलते हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, इनकी कंपनी के 6 बंदे खेल रहे हैं, 7 बंदे खेल रहे हैं, ये तो मुझे नई बात लगी मुझे आलिया। एक्चुअली बिल्कुल इसमें ये चीज बताई गई है कि जो प्लेयर्स के एजेंट्स होते हैं उसको चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि असूली तौर पे एक एजेंट के पास 2-3 प्लेयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। okay. तो एक एजेंट के पास जब आपके 7-8 प्लेयर चले जाते हैं और आपका जो चीफ सेलेक्टर है वो भी उनके साथ काम कर रहा हो, तो ऑब्वियसली वो एक प्रेशर ग्रुप ऑटोमेटिकली समझा जा सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी भी माजरत के साथ मैं बहुत तफसील से आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था, इंशाल्लाह एक प्रोग्राम सिर्फ पर होगा क्योंकि सियासत तो होती ही रहती है। इसी के साथ ही जीटीवी से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।